प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। उस प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको हिंदी भाषा में समपटल सर्वेक्षण का नाम भी दिया जाता है। प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन का मतलब हो गया समतल या समपटल सर्वेक्षण। इससे पूर्व हम लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि सर्वेक्षण का क्या तात्पर्य होता है। पिछले बार लेशन में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था, सर्वेक्षण का तात्पर्य यह होता है ऐसी घटना या परिघटना जिसको हम ऊपर से देखते हैं या उसका निरीक्षण किया जाता है, उसे सर्वेक्षण कहते हैं। और प्लेन टेबल का तात्पर्य हो गया ऐसा सर्वेक्षण या जिस सर्वेक्षण में समपटल उपकरण का या प्लेन टेबल का प्रयोग किया जाता है, उसे प्लेन टेबल सर्वे या समपटल सर्वेक्षण के रूप में संबोधित किया जाता है। आज हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेन टेबल की समपटल सर्वेक्षण या प्लेन टेबल सर्वेक्षण का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा सर्वेक्षण या इस सर्वेक्षण में प्लान के साथ साथ में इसमें फील्ड बुक की तैयारी भी साथ साथ की जाती है, या कह सकते हैं सर्वेक्षण कार्य और प्लान दोनों ही कार्य दोनों ही अपने साथ साथ में चलते रहते हैं। यही इस सर्वेक्षण की सबसे मुख्य विशेषता मानी जाती है। और इस विशेषताएं के प्रमुख लाभ भी हैं कि सबसे पहले अपन फायदे की बात करते हैं तो इसमें जो संपूर्ण जो कार्यों की बात करते हैं अपेक्षाकृत जल्दी से जल्दी निपट जाते हैं या कार्य संपादित हो जाता है। दूसरे कार्य की बात करते हैं कि इस सर्वेक्षण के अंतर्गत मान लीजिए कोई दूरी ली है या कोई कोण लिया है तो वो साथ साथ में प्लान बन रहा है तो उसको लिखने में या बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी या भूलवश कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। और तीसरे अपन बात कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने इस क्षेत्र में या सर्वेक्षण के अंतर्गत जो भी अपन ने अवस्थान लिए या ऑब्जेक्ट लिए हैं वो साथ साथ में अपन उसको प्रदर्शित कर देंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि प्लेन टेबल में किन किन उपकरणों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। बात करते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण में उपयोग आने वाले प्रमुख उपकरण की अपन बात करते हैं। उपकरण या इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में काम आएंगे, तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की अब बात करते हैं तो इसके नाम से स्पष्ट कर लेते हैं भाई, प्लेन टेबल। प्लेन टेबल का नाम मैं पहले से बता चुका हूँ कि प्लेन टेबल को कहते हैं अपन समपटल, यानी कि ऐसा टेबल जो समतल हो उसे प्लेन टेबल कहते हैं। और इस सर्वेक्षण का जो सबसे प्रमुख उपकरण इसी चीज़ को मानते हैं और इसी के नाम पर ये चीज़ बनी हुई है। प्लेन टेबल को मुख्य रूप से तीन भागों में या तीन प्रकार के प्लेन टेबल में से विभाजित कर सकते हैं, या कह सकते हैं जो प्लेन टेबल हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका साधारण प्लेन टेबल, साधारण प्लेन टेबल जो मुख्य रूप से कह सकते हैं जो छोटी मापने की जो मैप बनते हैं या कह सकते हैं जो स्थलाकृतिक मानचित्र को बनाने में जिन टेबल का उपयोग किए जाते हैं उस में जो प्रयोग आते हैं उसे बोलते हैं साधारण प्लेन टेबल कहते हैं। दूसरा प्लेन टेबल की बात करते हैं अपन, तो दूसरा
जो प्लेन टेबल हैं उनको कहते हैं अपन जॉनसन प्लेन टेबल। थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि जॉनसन प्लेन टेबल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस टेबल का आविष्कार सबसे पहले जॉनसन नाम के विद्वान ने किया। इसी कारण से इस टेबल का नाम क्या रखा जाता है, जॉनसन टेबल। और जॉनसन टेबल की सबसे खास विशेषता यह है कि इसको जो त्रिपाद स्टैंड पर रखते हैं तो उसको लेवल करने के लिए किसी स्पिरिट लेवल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको अपन हाथ से समतल कर सकते हैं, चाहे जैसे घुमा सकते हैं इसको, हाथ के द्वारा ही इसको लेवल किया जाता है। और तीसरा होता है तट सर्वेक्षण टेबल। तट सर्वेक्षण, यह टेबल उन स्थानों में काम आता है जो बहुत बड़े क्षेत्र हैं या उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं या बहुत जटिल क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए तट सर्वेक्षण टेबल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अपन ने बात की प्लेन टेबल, प्लेन टेबल को बोलते हैं समपटन। यह तीन प्रकार के होते हैं, साधारण प्लेन टेबल जो सामान्य रूप में अपन जो प्रयोग करते हैं, जो यूजी या पीजी या बारहवीं कक्षाओं में अपन ने प्लेन टेबल देखा होगा वो साधारण प्लेन टेबल है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं अपन तो लगभग 75 × 60 का होता है या 45 × 45 का भी हो सकता है या 75 × 75 का भी होता है कई बार, और 60 × 60 का भी होता है, ये सब सेंटीमीटर में। लेकिन सामान्य रूप में इसको सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है, लेकिन इन साइज के भी प्लेन टेबल होते हैं। और इनकी जो मोटाई की अपन बात करते हैं मुख्य रूप से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। और यह जो लकड़ी है चीड़ की लकड़ी का बना होता है या सागवान की लकड़ी का भी बना सकते हैं, लेकिन सत्य बात यह कही जाए तो सागवान और चीड़ महंगी होती है, तो इसमें मुख्य रूप से चीड़ की लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं। अब इस प्लेन टेबल को अपन देखते हैं, ये आपके सामने एक प्लेन टेबल पड़ा हुआ है, ये दिख रहा होगा प्लेन टेबल, ये देख रहे हैं आप। इसकी जो लंबाई चौड़ाई की अपन बात कर रहे हैं, ये आपकी लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं लगभग 60 सेंटीमीटर। यह जो बनी हुई है यह मुख्य रूप से चीड़ की लकड़ी की बनी हुई है। और इस प्लेन टेबल दिख रहा होगा बिल्कुल समपटल है। अब इस प्लेन टेबल के कुछ खास विशेषताएं और हैं, इसको जब इसे खोलते हैं अपन बता देते हैं आपको कि इस प्लेन टेबल के नीचे दो पट्टियां लगी होती हैं, ये देखें स्पष्ट रूप से आपको दिख रही होगी दो पट्टियां, आपको ये देख सकते हैं आप दो पट्टियां ये चीज़ लगी हुई है। ये पट्टियां इसलिए लगी हुई हैं कि मान लो कोई टेम्परेचर का फ़र्क आ रहा हो, जैसे मान लो कभी तापमान अधिक है कभी तापमान कम है, उस तापमान के दौरान प्लेन टेबल बिल्कुल मुड़ेगा नहीं या ख़राब नहीं होगा, उसके लिए ये पट्टियां लगाई गई हैं। और ये चीज़ आपको गोल और दिख रही होगी, ये गोल और आपको दिख रही होगी, इसको एक इसका पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उसे बोलते हैं दुराग्र प्लेट के रूप में से जानते हैं, या अंग्रेजी भाषा में से कह सकते हैं पाइवेट प्लेट के रूप में से संबोधित किया जाता है, जो एक मुख्य रूप से अलोह धातु की बनी होती है या लोहे की नहीं बनी होती, ध्यान रखने अलोह धातु। लोहे के अलावा जो अन्य धातु हो सकती है, पीतल हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इस धातु की ये दुराग्र प्लेट बनी होती है जो प्लेन टेबल के निचले वाले हिस्से के बीचों बीच स्थित होती है। ये था आपका साधारण प्लेन टेबल। साधारण प्लेन टेबल के बाद में ये था अपन प्लेन टेबल के इंस्ट्रूमेंट में प्लेन टेबल को बनना पड़ा, साधारण जॉनसन और प्लेन टेबल या तट सर्वेक्षण टेबल के बारे में अध्ययन कर लिया। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट आता है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका त्रिपाद स्टैंड, त्रिपाद स्टैंड या
ट्राइपॉड स्टैंड के रूप में भी इसे जानते हैं। त्रिपाद स्टैंड की बात कर रहे हैं अपन। त्रिपाद नाम से स्पष्ट है, जिनके तीन पैर उसे त्रिपाद स्टैंड। इस स्टैंड पर ही जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने प्लेन टेबल को देखा उस पर कसा जाता है। अब हम त्रिपाद स्टैंड के बारे में कुछ जानकारी बात करते हैं। यह आपके सामने जो त्रिपाद स्टैंड लगा हुआ है, यह लगभग 1.5 मीटर ऊंचा है धरातल से। यह आपके सामने त्रिपाद स्टैंड दिख रहा है। यह स्टूबेंड भी चीड़ की या सागवान की लकड़ी का बना होता है। इसके बारे में तीन टांगे पहले बता चुका हूँ, 1, 2, 3 टांग। और तीन टांगे जो बनी हुई हैं, तीन टांगे की जो बनावट में भी द्विखाची देख सकते हैं आप, दो खाँचे बने हुए हैं, दो खाँचों के माध्यम के एक टांग बन रही है। आप सिंगल वाली बात करोगे तो उसमें सही प्लेन टेबल या उसका लेवलिंग नहीं होगा, द्विखाची होनी चाहिए। अगले बात करते हैं, इसके जो ऊपर वाले सिरे पर जो प्लेन टेबल में अपन ने पढ़ा था कि जो दुराग्र प्लेट है वही दुराग्र प्लेट यहाँ पर कसाई जाएगी। और इस प्लेट को हम त्रिशाखी प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिशाखी। क्यों कहते हैं? 1, 2, 3 तीन शाखाओं के ऊपर जो प्लेट है इसे बोलते हैं त्रिशाखी। और यह जो प्लेट भी अलोह धातु की बनी होती है, पीतल की भी हो सकती है और एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। इसके नीचे ये जो नट आपको दिख रही होगी इसे फ्लाइंग नट के रूप में जानते हैं। और यह जो फ्लाइंग नट ऊपर कसा जाती है वो कसती है प्लेन टेबल के दुराग्र प्लेट में कस जाती है और फिर बाद में हम लोग प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं। इस त्रिपाद स्टैंड के निचले वाले सिरे पर, इस टांग के नीचे वाले सिरे पर आयरन शू लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? मान लो कोई लकड़ी मोटी हो रही है या कोई कटी हुई लकड़ी है तो यह त्रिपाद स्टैंड बिल्कुल लेवल नहीं होगा। आयरन शू देख सकते हैं आप इसमें, ये थोड़ा सा बता सकता हूँ आपको, ये होता है आपका आयरन शू, बिल्कुल नुकीला होता है। नुकीला के तात्पर्य यह है कि जैसे अपन किसी भी फील्ड में इसको ले जाएं तो वह आराम से ज़मीन में गड़ सकता है, वहाँ से हिलेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर आयरन शू का प्रयोग करते हैं। और यह आयरन शू नहीं होते हैं तो फिसलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये थी आपकी त्रिपाद स्टैंड। इस इंस्ट्रूमेंट के बाद में एक इंस्ट्रूमेंट और आता है। अगले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तीसरे उपकरण की अब चर्चा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण। अगले इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, उसे कहेंगे अब एलिडेट। एलिडेट जिसको हिंदी भाषा में दृश्य रेखक के रूप में जान सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें आप, यह मैंने शब्द लिखा है एलिडेट, और एक शब्द होता है एडिलेड। दोनों ही अलग अलग है, दोनों सेम मत समझ जाना। यह जो है यह एक ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है एडिलेड, जो क्रिकेट प्रेमी सब जानते होंगे। लेकिन ये अपना शब्द नहीं है, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है एलिडेट, जिसको कहते हैं दृश्य रेखक के रूप में इसे संबोधित करते हैं या जानते हैं। एलिडेट भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण एलिडेट। साधारण ये कह सकते हैं, ये हमारे सामने एक एलिडेट है, ये एक प्रकार का साधारण है, इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे।
और दूसरा होता है टेलीस्कोप एलिडेड, नाम से स्पष्ट है कि जिसमें दूरबीन लगा होता है उसे टेलीस्कोप एलिडेड के रूप में जानते हैं। और साधारण के अंतर्गत कुछ भी लगानी होता है, डायरेक्ट हमको देखना होता है। इस यंत्र की सहायता से दो स्टेशन के बीच की दूरी को पढ़ते हैं और उसको एक कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। कई बार प्रश्न आ चुका है प्रतियोगी परीक्षा में कि लाइन ऑफ साइट किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित माना जाता है। तो पर्टिकुलरली आप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो प्लेन टेबल, और प्लेन टेबल के इंस्ट्रूमेंट में और बात के उपकरण में तो क्या होगा एलिडेड, जैसे एक स्टेशन यहाँ पर और एक स्टेशन यहाँ पर, ये जो लाइन आ रही है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ग्रुप में से संबोधित करते हैं। साधारण एलिडेड की हम बात करते हैं तो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर लंबा होता है और लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर के रूप में कह सकते हैं कि चौड़ा होता है। ये आपके सामने एक एलिडेड पड़ा हुआ है। इस एलिडेड की बनावट की बात करते हैं, यह रहा आपका एलिडेड, लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर है। इसके दो फलक हैं, एक ये वाला फलक, ये वाला फलक, लेफ्ट राइट अब नहीं कह सकते हैं अपन क्योंकि उसको ऐसा कर दो ये लेफ्ट आ जाएगी ये राइट आ जाएगा। दो फलक में एक फलक होता है आईवीएन, ये वाला दिख रहा होगा आपको, जहाँ पर आँख को रखते हैं, आँख को रखते हैं नहीं, आँख को निकाल कर रखते हैं। आईवीएन का तात्पर्य जहाँ से देखा जाता है। और दूसरा फलक होता है ऑब्जेक्टिव, ये वाला कि जहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट वेन में एक आपको धागा दिख रहा होगा, ये जो धागा है, वैसे तो ये धागा जो अपने सूती का है, ये सूती का नहीं होना चाहिए, इसमें घोड़े का बाल होना चाहिए। उसका भी कारण घोड़े का बाल मजबूत होता है और खिंचाव में होता है तो उसमें कुछ सलने पड़ते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में किसी प्रकार की भूल नहीं होती है, इसलिए घोड़े का बाल यहाँ पर उपयोग माना जाता है। अब ये जो आईवेन दिख रहा है, आईवेन में भी मुख्य से तीन होल है, इसको आईवेन में तीन होल है, एक फर्स्ट ईयर, सेकंड बीच में, थर्ड ईयर, आई होल कहते हैं। ये वाला भी अलग काम आता है, ये वाला भी अलग काम आता है, ये वाला भी अलग काम आता है। इस होल से अपन ऑब्जेक्ट को देखेंगे, कोई नीचे दबा हुआ क्षेत्र है, कोई घाटी में कोई ऑब्जेक्ट अपन ले रहे हैं तो अपन ऊपर वाला आई होल से देखेंगे, बीच वाले से सामान्य अपने समानांतर हो, और तीसरा जो दिख रहा है आपको नीचे वाला, इस होल से मान लो अपन को किसी की लाइट लेनी है, कोई ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अपन को देखना है तो उसके लिए नीचे वाले आई होल का उपयोग करेंगे। और ये जो दिख रहे हैं आपके, इसको जो झुकाने के लिए, इनको कब्जा कहा जाता है, कब्जे जिसके द्वारा जो काम नहीं हो तो अपन आराम से इसको लटा सकते हैं। और दूसरी बात, इस एलिडेड को इस सर्वेक्षण में कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, इसमें स्केल भी बनी हुई है साथ साथ में, और इसके दो किनारे हैं, एक ये वाला किनारा और एक ये वाला किनारा, जिसमें एक किनारे को कार्यकारी किनारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यकारी किनारा या ढलाऊ किनारा या फिड्यूशियल एज के रूप में कह सकते हैं या वर्किंग एज के रूप में से जाना जाता है। अब इसका भी कारण भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा आईवीएन से, तो ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा ढलान वाला आ रहा है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे करके इस लाइन खींचूँ तो ये जो लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगी,
लेकिन ढलान वाले पे आएगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आ गई। आपने अधिकांश स्केल देखी होगी वो ढलान वाली ही होती है, उसमें जो अपन लाइन खींचते हैं बिल्कुल सीधी आती है। तो एक किनारे को ढलाऊ वाला किनारा या कार्य करके किनारा, क्योंकि इसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। सर्वेक्षण में लाइन किसने काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट देखने का काम कर रहे, जो भी कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं अपन ढलाऊ किनारा या कार्यकारी किनारा के रूप में इसे सम्मिलित किया जाता है। यह भी अलो धातु का बनना होता है। अगले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो कि क्या कहा अपन ने, दूसरा टेलीस्कोप एलिडेट, कि जिस एलिडेट में दूरबीन लगी होती है उसे दूरबीन एलिडेट या टेलीस्कोप एलिडेट के रूप में जान सकते हैं। इसमें या यह एलिडेट, हमने अभी थोड़ी देर पहले प्लेन टेबल के बारे में अध्ययन किया था, याद आ रहा हो तो दो प्लेन टेबल के नाम बताए थे मैंने, एक तो बताया जॉनसन प्लेन टेबल और एक बताया तट सर्वेक्षण टेबल। उन दोनों प्लेन टेबल में, ये दोनों टेबल में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप एलिडेट का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम एक विधि होती है, नाम सुना होगा स्टेडिया, ध्यान रखें स्टेडियम नहीं है, स्टेडिया विधि के माध्यम से दूरी को ज्ञात किया जाता है। स्टेडिया विधि क्या होती है थोड़ा समझ लेवे, प्रश्न आ सकता है कि इस टेलीस्कोप एलिडेट के माध्यम से रेंजिंग रोड की जगह एक होता है लेवलिंग स्टाफ होता है, जैसे एक स्टाफ होता है जिस पे ऊंचाइयां लिखी होती है 1 मीटर 2 मीटर जो भी है। स्टेडिया विधि में क्या होता है, जब दूरबीन एलिडेट के माध्यम से जो स्टाफ पर जो रीडिंग पड़ेंगे, स्टाफ में उस दूरबीन में, जैसे मान लो दूरबीन का ये कांच, इसके ऊपर एक तार ऐसा होता है, एक तार ऐसा होता है, एक तार ऐसा होता है, 3 तार होते हैं और इसके ऐसे भी तार होते हैं। इसमें दूरबीन जब डायफार्मा के बाद देखेंगे आप तो ऐसे तार होते हैं, तो उसमें ऊपर के तार की रीडिंग और नीचे की तार की रीडिंग दोनों को अपन पढ़ना है। जैसे मान लिया ऊपर के तार की रीडिंग 1.5 मीटर आया और नीचे की तार की रीडिंग 1.3 मीटर आई, उन दोनों का क्या करना है, अंतर निकाल देना, कितना हो जाओ अंतर 0.2 मीटर, और इसको क्या करना इनटू 100 कर देना, जो भी दूरी आएगी अपनी स्टेडिया विधि से अपन आराम से निकाल सकते हैं, या स्टेडिया विधि की यह क्या हो जाएगी आपकी दूरी हो जाएगी। ये था तीसरा इंस्ट्रूमेंट एलिडेट, जिसे दृश्य रेखा भी कहते हैं। दो प्रकार मैंने दोनों के बारे में बता दिया। अगले इंस्ट्रूमेंट के रूप में और बात करते हैं, देखो अगले इंस्ट्रूमेंट के रूप में बात करते हैं, चौथा जो इंस्ट्रूमेंट बात गया उपकरण आएगा, इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है स्पिरिट लेवल। चौथा इंस्ट्रूमेंट स्पिरिट लेवल, लेवल देखो स्पिरिट लेवल, नाम से स्पष्ट है कि ऐसा उपकरण जिसमें क्या भरा हो स्पिरिट, और क्या लिखा लेवल, तो क्या काम करने में काम आएगा, समतल। कि ऐसा उपकरण जो लेवल करने के लिए काम आता हो और उस उपकरण में क्या भरा हो स्पिरिट, उसे क्या बोलते हैं स्पिरिट लेवल के रूप में जानते हैं। हिंदी में एक अच्छा सा नाम है इसका, हिंदी में बोलते हैं पाणसल के रूप में जानते हैं। ध्यान रहे मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लो कभी कंपटीशन लेग में आ जावे कि पाणसल उपकरण किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित माना जाता है, तो थोड़ा सा प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार हम लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ
ये रहा अपने पास में स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल के माध्यम से प्लेन टेबल को लेवल किया जाता है। ये जो सामने आपको प्लेन टेबल दिख रही है इसको लेवल करते हैं। जब ये आप देख रहे होंगे बीच में बिल्कुल बुलबुला सा आ रहा है, जब ये बिल्कुल बीच बीच में आ जाता है तो हम ये मानेंगे कि अपनी प्लेन टेबल बिल्कुल लेवल है। लेकिन लेवल करने के भी दो तरीके हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये लेवलिंग का। मैं पर्सनल मानता हूँ कि जिस बंदे को इस प्लेन टेबल में दो चीज़ आ गई, लेवलिंग करना आ जाता है या सेंटरिंग करना आ जाता है या नॉर्थ निकालना आ जाता है, तो प्लेन टेबल वो मास्टरपीस आदमी है। तो लेवलिंग भी एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करता है। तो लेवलिंग करने के लिए इसको चारों कोनों पर रखते हैं प्लेन टेबल के। ऐसा नहीं कि मैंने एक कोने पर रख दिया लेवल आ गया तो लेवल हुई, नहीं, चारों कोनों पर रखेंगे अपन। और चारों कोनों पर रखने का भी तरीका होता है। पहला तरीका, इसको मान लो मैंने ऐसे रख रहा हूं तिरक रूप में, तो चारों कोनों मुझे ऐसे रखना है, ऐसे रखा इसको, ऐसा रखना है, ऐसे रखना है और ऐसे रखना, चारों पे। जब हम स्पिरिट लेवल को एक तिर्यक अवस्था में रख रहे हैं और लेवल नहीं हो रहा है, तो प्लेन टेबल के जो त्रिपाद स्टैंड हैं किसी एक टांग के माध्यम से, किसी एक टांग के माध्यम से जब हम ऐसे रखते हैं तो एक टांग को दाएं बाएं खिसकाते हैं। कैसे खिसकाते हैं? दाएं बाएं या लेफ्ट राइट के दो। लेकिन आपको सर मैं तो ऐसे नहीं रखूं, सीधा रखूं, कोई बात ऐसे रख दो। लेकिन ऐसा भी रखना आपको चारों कोनों पे, ऐसे रखना पड़ेगा सबको, ऐसे रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपसे कहो कि ऐसे रखने पर प्लेन टेबल फिर भी लेवल नहीं हो रहा है, तो क्या करना है आपको? पहले तो जब अपन ने ऐसे रखा तो त्रिपाद स्टैंड की टांगों को या एक टांग को अपन ने दाएं बाएं किसका है? अब हम ऐसे रखते हैं तो प्लेन टेबल की टांग को आगे पीछे खिसकाना है तो ही लेवल होगा। और यह चीज थोड़ा ध्यान रखें लेवलिंग में कि जब हम प्लेन टेबल को त्रिपाद स्टैंड पर स्थापित करते हैं, थोड़ा सा दो कदम या तीन कदम पीछे हटके स्थापित करने के बाद में दूर हटके देख लेवे आप, तो हम लोगों को तो आभास हो जाएगा दूर से हल्का सा कि वह प्लेन टेबल लेवल है या नहीं है। मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया और स्थापित कर दिया, अब 5 साल को लेके आ गए स्पीड लेवल को और उसमें परेशान हो रहे हो, तो नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि टेबल ही अपना बिल्कुल तिरछा है आपका। पहले क्या करना है आपको, उसको लेवल करने का प्रयास करना है। लगभग 90-95% लेवल हो चुका होगा, मात्र 5% होगा वो इसके माध्यम से करना आपको। तो तिरक अवस्था में दाएं बाएं खिसकाना है टांग को, और जब ऐसी अवस्था हो तो टांग को आगे पीछे खिसकानी है, उससे प्लेन टेबल क्या होगा आपका लेवल हो जाएगा। अगली बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट के रूप में। अगले इंस्ट्रूमेंट के रूप में आता है साहुल कांटा या साहुल पिंड। साहुल पिंड, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे अभी। एक आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट, धरातल के किसी भी बिंदु, धरातल के किसी भी बिंदु का केंद्रण हम प्लेन टेबल पर या ड्राइंग शीट पर उस केंद्र को स्थापित करने का प्रयास करें, तो उसके लिए काम आने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये चीज़ होगी। इसे बोलते हैं साउल पिंड या साउल कांटा के रूप में से जानते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है, देखो। इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से दो प्रकाश से, और ये इंस्ट्रूमेंट क्या काम आता है स्पष्ट,
सेंटरिंग करने के काम आता है, मैंने कहा ना आपको केंद्रीकरण के काम आता है। ये देखो इधर देख सकते हैं, सपोज़ मान लीजिए इस पर शीट भी लगा देते हैं, अभी वैसे इस पर ऐसे नहीं होती है, शीट लगा देते हैं, देखो ये देखो इधर। अब यहाँ पर मान लो मुझे सेंटरिंग करनी है इस स्थान पर, तो इसका तात्पर्य यह हो रहा है इस जस्ट नीचे आ रहा है आपका जो पिंड आ रहा है साउल पिंड, इसकी नोक के बिल्कुल सीधी साइड में आ रहा है। तो इसका तात्पर्य यह कह रहा है कि धरातल का केंद्र मानचित्र पर आ रहा है। आप कभी दिमाग में यह मत लाना कि मानचित्र का केंद्र धरातल पर, नहीं, धरातल का जो केंद्र है उसे अपन को मानचित्र पर लाना है, वो चीज ध्यान रखनी है आपको। मानचित्र के केंद्र में धरातल को नहीं लाना है, धरातल का जो केंद्र बना हुआ है अपन को उस पर लाना। एक बात तो ये कि पहले मानचित्र पर सेंटरिंग कर दो आप और धरातल पर ले आओ, पहला काम तो ये हो गया सबसे ईजी। लेकिन ये तो जैसे रेडिएशन में कर लिया, इंटरसेक्शन ओपन या क्लोज ट्रेवल्स मेथड में हम लोग देखते हैं कि मानचित्र में सेंटरिंग पहले नहीं होती, धरातल की सेंटरिंग पहले होती है, फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्लेन टेबल को अपने हल्के हाथों से उठाना पड़ता है और जहाँ पर धरातल की जो सेंटरिंग है उस पर साउल पिंड को सेट करना पड़ता है। अपन को इसको तो बिल्कुल हिलाना नहीं है, इसको तीन जनों के माध्यम से एक एक टांग पकड़ेंगे स्मूथ से, और जो साउल पिंड आ रहा है और जो सेंटरिंग मानचित्र में नहीं है ना, उसको धरातल पहले जी डिसाइडेड है, वो पिंड उसकी दिशा में आना चाहिए और वो सेंटरिंग मानचित्र पर यहाँ आ जाएगी। एक तो ये होता है, दूसरा यहाँ पर पहले बता दो सेंटरिंग नीचे आ जाएगी आपकी। दोनों रूप से सेंटरिंग या केंद्रण करने में काम आने वाला जो उपकरण है उसे साउल कांटा या साउल पिंड के रूप में से जानते हैं। अगले बात करते हैं, अगले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो अब बात करते हैं ट्रफ कंपास, TRUGH, ट्रफ कंपास, बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट। इसे हिंदी भाषा में दिक सूचक यंत्र भी कहते हैं, और इसका जो मुख्य काम है, इसका मुख्य काम है उत्तर दिशा ज्ञात करने में काम आता है। और उत्तर दिशा भी कौन सी, चुंबकीय उत्तर, ये सबसे ज्यादा मतलब भौगोलिक उत्तर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चुंबकीय उत्तर की बात कर रहा हूं। चुंबकीय उत्तर दिशा को ज्ञात करने में ट्रप कंपास का उपयोग किया जाता है। देखो पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लाओ पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है भाई। देखो पे इसको हटा देते हैं, देखो कोई नहीं रखना तो कोई दिक्कत, ये देख लें, ये आपके सामने ट्रप कंपास पड़ा हुआ है, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा है और 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। यह इंस्ट्रूमेंट भी अलौह धातु का बना हुआ है। मैंने लगभग जितने भी इंस्ट्रूमेंट में जो शब्दों का प्रयोग किया होगा उन्हें ये कह रहा हूँ बार बार कि अलौह धातु क्यों है, उसका रीज़न यहाँ मालूम पड़ेगा कि अलौह धातु क्यों रखी जाती है, कि लोहे की धातु या लोहे का प्रयोग कम क्यों किया जाता है, उसका यहाँ आएगा। क्या कहा मैंने यहाँ पर, उत्तर दिशा कौन सी, चुंबकीय। मान लो सर्वेक्षण कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में लोहे का प्रयोग ज्यादा होगा तो उत्तर दिशा में विचलन ज्यादा होगा,
यानी कहा जाए सही उत्तर दिशा का मालूम नहीं पड़ पाएगा या नहीं जान पाएंगे हम लोग। इसलिए इंस्ट्रूमेंट या सर्वेक्षण करने के दौरान हम लोगों को लोहे की वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए या उनसे दूर रहना चाहिए। इसके ऊपर ये कांच की प्लेट लगी हुई है, इसके अंदर आपको एक सुई दिख रही होगी, देख रहे होंगे आप सुई, एक ये जो सुई है इसे बोलते हैं चुंबकीय सुई कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई ये देखो इधर आप देखो, जब ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगी, ये सुई जब बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच आ गई है, तो एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से जैसे ये आ गई, ये अपने ऐसे एरो करके ऐसे अपन को नॉर्थ लिख देना। और जैसे ऐसे नहीं आ रहा है तो दो प्रोसेस है इसकी, मान लो ये से तिरछी आ रही है तो क्या करना है, या तो ट्रप कंपास को ऐसे हिला दिया, ये इस प्रकार से हिलाइए आप, या आप सोचो सर मैं तो नॉर्थ को सीधा रखना चाहूँ, तो एक काम करिए, सबसे बढ़िया प्लेन टेबल को ढीला करके, ढीला कर दीजिए ऐसे, अब इसको आराम से ऐसे हिला दीजिए आप ऐसे, तो क्या होगा, बिल्कुल लेवल हो जाएगा। या आप ऐसे प्लेन टेबल को आप ऐसा रखना चाहते हैं तो आप इसको भी आप हिला सकते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक पिन लगी हुई है, इसे बोलते हैं ब्रेक पिन। जब इस इंस्ट्रूमेंट का काम अपन नहीं कर रहे हैं तो ब्रेक पिन को अपन कस देना है, तभी बिल्कुल स्थिर हो जाएगी आपकी। मान लो ऐसा नहीं करते हम लोग और इसको ये ढीला छोड़ दे रहे हैं, तो ये बार बार हिल हिल के इसमें विचलन हो जाएगा या खराब हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आरपीसी एग्ज़ाम में कई बार पुटअप किया जा सकता है या किया जा चुका है कि पाइवेट पिन, दुरागर पिन किस इंस्ट्रूमेंट में होती है, वो होती है अपने ट्रप कंपास में। क्या चीज़ें देखो, ये जो सुई बन रही है, सुई जिस आधार पर टिकी हुई, ये देख रहे हो आप, दिख रही होगी ये गोले वाले, इसको दुरागर पिन के रूप में जानते हैं, पाइवेट पिन कहा जाता है, इसी पर ये टिकी हुई है। अब तो आप दिमाग में आ रहा होगा सर आपने प्लेन टेबल में भी एक शब्द का प्रयोग किया था पाइवेट प्लेट, उसमें मैंने दुरागर प्लेट का काम किया था, नाम लिया था, और इसमें नाम ले रहा हूँ दुरागर पिन का नाम ले रहा हूँ, दोनों में अंतर है ध्यान रखने। ट्रप कंपास में आएगी पाइवेट पिन आएगी और प्लेन टेबल में आएगी पाइवेट प्लेट आएगी, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और इस सुई पर एन अंकित होता है, इसको एन का मतलब यह है कि यह उत्तर दिशा को बता रहा है। ये था आपका उत्तर दिशा ज्ञात करने का प्रमुख यंत्र जिसे ट्रप कंपास के रूप में जानते हैं। आपने कभी सोचा कि सर इसको ट्रप कंपास क्यों कहते हैं? ट्रप कंपास कहने का भी कारण, ट्रप कंपास इसलिए कहा जाता है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ट्रप को हिंदी में बोलते हैं द्रोणी। क्या बोलते हैं? द्रोणी। इस इंस्ट्रूमेंट की जो आकृति है वह द्रोणीनुमा है, इसी कारण से इसे ट्रप कंपास के रूप में जानते हैं या इसे ट्रप कंपास कहा जाता है। अगले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, अंतिम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे हम। अगला इंस्ट्रूमेंट सर्वेक्षण दंड, सर्वेक्षण दंड जिसे अंग्रेजी भाषा में रेंजिंग रोड कहा जाता है,
इसको रेंजिंग रोड कहने का भी एक कारण है भाई, क्योंकि ये आपके सामने रेंजिंग रोड, मैंने कहा रेंजिंग रोड करने का भी एक कारण है। ये आप देख रहे हैं ये लगभग 3 मीटर का लंबा है, इसमें एक निश्चित रेंज पर देखो ये वाइट है, जितना ब्लैक उतने वाइट उतना ब्लैक, एक निश्चित रेंज पर अलग अलग कलर से पुता हुआ है, इस कारण से रेंजिंग रोड कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं इस प्रकार देखो आप अलग रेंज पर आ रहा, और इसको जमीन पर गाड़ने के लिए भी ये थोड़ा सा तिकुना रखते हैं, आयरन शो कह सकते हैं आप इसको, आयरन शो जो जमीन गाड़ने के लिए काम आता है, और दो स्टेशन को मिलाने के लिए भी सर्वेक्षण दंड का मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे नहीं कि इसको भाला कहते, भाला नहीं कहते, सर्वेक्षण दंड कहा जाता है इसे। और लास्ट इंस्ट्रूमेंट काम आता है या उसका नाम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फीता। फीते की बात करें तो फीता दूरी को मापने का काम आता है, डिस्टेंस को मापने में। फीता भी कई प्रकार का होता है, जैसे पहली बात करें सूती कपड़े का फीता, एक होता है धात्विक फीता, एक होता है इस्पाती फीता, एक होता है प्लास्टिक का फीता, और एक होता है अलग का नाम आता है इनवार फीता। इनवार फीता सभी फीतों से दूरियां ही मापी जाती है, लेकिन देख लेते हैं सूती कपड़ा कपड़े से बना हुआ है, धात्विक का मतलब ये होता है कपड़े के साथ में कोई भी एक धातु का तार को साथ में सील देवे तो वो हो जाएगा धात्विक। इस्पाती में बिल्कुल लोहे का बना होता है स्टील जैसा, प्लास्टिक में सिंथेटिक का होता है, और इनवार का मतलब ये हो गया कि जो फीता इससे बना हुआ है निकिल में, निकिल से बना होता है फीता, उसे इनवार फीता के रूप में से जानते हैं। ये थे प्लेन टेबल सर्वेक्षण के प्रमुख इंस्ट्रूमेंट। इनके अलावा आपके सामने रखी ड्राइंग शीट, पेंसिल, स्केल, ऑल पिन, रबर या ये छोटी मोटी और उपकरणों की इस प्लेन टेबल सर्वेक्षण में आवश्यकता होती है। ये था आज का वीडियो प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग आने वाले महत्वपूर्ण उपकरण। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके मन में प्लेन टेबल संबंधी कोई भी प्रश्न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।